पहले तो हेलो पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि बिना किसी कॉल के बिना किसी टेक्स्ट के आप सब यहाँ आए। ये तभी होता है जब किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के लिए किसी का इतना प्यार होता है तो वो बिना कॉल लगे या बिना टेक्स्ट लगा। बाकी जो आज के आज हमको लगते यहाँ पे हो गए क्योंकि कल सोमवार है, 6 तारीख है। हमने कल भी ये कहा था आपसे कि आने वाली 6 तारीख को 11 बजे सुबह डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रजौरी से एक यूथ की एक गली आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं। मैं जो भी मेरे देख रहे हैं इस टाइम, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी नौजवान अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में आता है उसका मकसद ये होता है कि वो चेंज देखे और फ्यूचर अपना देखे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का फ्यूचर कोई टीम ABC नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि नौजवानों का जो आजकल जो जो लेके जो इश्यूज आ रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और भी बड़े इश्यूज पे स्कैम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है कि जो इन इश्यूज पे आई है और नौजवानों की जो आवाज़ पहले भी जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और आने वाले टाइम पे भी वो रहेगी। और मैं अपील करता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को हमारे जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ साहब, उनको वोट दे के आप पार्लियामेंट में लाएं, ताकि खासकर मैं नौजवानों और मैं उन्हीं की बात करूँगा नौजवानों की, कि हमारे जो इश्यूज आज तक मुझे लगता नहीं है किसी भी पॉलिटिकल जो मिनिस्टर है या पॉलिटिकल बताया उसके कोई पार्लियामेंट में कभी उठाए। मुझे लगता है मियां अल्ताफ साहब ऐसे लीडर हैं कि वो नौजवानों की किस्म को नौजवानों के इश्यूज है वो उनको जानते हैं और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में ये इश्यूज उठाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हर ब्लॉक से जहाँ तक मेरी आवाज़, जहाँ तक ये आप देख रहे हैं कि हर ब्लॉक हर पंचायत और हर वार्ड से अपने नौजवान आए और मियां अल्ताफ साहब को सपोर्ट करें। शुक्रिया।